खुशबू लपेटे। माँ भारती की ये बेटी आप सभी को सादर प्रणाम करती है। आज मैं आपको एक ऐसे महानुभाव की जीवन गाथा सुनाने आई हूँ जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। हाँ, बस जीवन के भाग दौड़ में कभी कभी भूल जाते हैं। तो बात है 18वीं शताब्दी की, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश सरकार पूरे भारत में एक छत्र अपना राज्य स्थापित करती जा रही थी। यूं तो उस समय कई महापुरुषों ने मिलकर भारत माँ को गुलामी से आजादी दिलाई, परंतु स्वतंत्र भारत की गणना एक व्यक्ति के बिना असंभव ही थी, जिन्होंने अपनी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को देश छोड़ने पर विवश कर दिया। उनका नाम था श्री मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ दी। गांधी जी ने नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसका समर्थन पूरे देश ने मिलकर किया। Thank you.
मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।
Thank you.
सगल लोक मान सहुने चल रहा के धन धन
शेखर आया। लगी चौदवी जब शेखर की पहुंचे शहर बनारस जा। ही आंदोलन की कूद लाल तिवारी गया और किया प्रतिज्ञा चंद्रशेखर ने भारत देश कर भया जा। अंग्रेजों भारत छाड़ो अपना शासन चले तुम्हारा।
लाग्यो तप शेखर ने कहा सुनाए कब हाथ मकोला लिया उठाए दल 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 कोला बरसे देश कोन रहा जुहाय अंतिम कोला पड़ा पीठ पर छल बन गई मोर छाया क्रांति देव था उठ पाले वे भारत की जय दिया लगाए भारत माता की रज ले गए और माथे मालिया लगाए कफन पगड़ी सर पर माधव हाथ चंद्रशेखर ने यह आजादन है आ गया जिंदा गिरफ्तार ना हुई बिव चंदन टूक टूक हो गया अंग्रेजन का तप से पर है नाम हमारा शहर बनारस के नर नारी शेखर की जय रहे लगाए शहर बनारस की जनता ने स्वागत मंच किया तैयार एक चौसीला भाषण दी था पंडित चंद्रशेखर राजा भारतवासी मन अपने माँ करो या अपनी मात जिंदे महदासी जाओ फिर काल जिंदगी क्या उठो फिर हथियार उठा लो मन के मीठ ले मोर पकाओ हो अंग्रेजन का यापन लो सरकार बनाए खेत खेत लंदन तक माधव चटुआ टायर ले जगाए पर मैं भूल गए अब कुछ रहा ठिकाना जय शेखर की जय चौतरफा से रहा सुनाए यही का कथन किया फिर पंडित चंद्रशेखर रोशन सिंह सुनियल नाम प्रदार नावा फिर से कर से छोड़ बे सात कुमार पसीना जहाँ पर तुम रोता हम दे बेखून बहाए करे मंथरा सब आप समा कैसे देश हो फिर दौलत गए पैसा कर सड़क मारा का कोरी जो जिनका जाने सकल बाबू राजेंद्र जी रोशन सिंह और बजरंग कमली का ना कोरी माँ पहुँचा वक्त शाम काया वाली वही पर फाट भय पक्षी बाबू राजेंद्र ने तुरंत पीना का मन खाए गिराए और वो सफ़र
प्रजातंत्र सेना के कमांडर पंडित चंद्रशेखर आजाद। बाबू राजेंद्र जी रोशन सिंह सब खाली बचे तीन सौ दो का मुलजिम अंग्रेजों ने दिया बनाए। चलो मुकदमा लखनऊ वादी फांसी के सजा सुनाए। खबर फैल गए जब जनता माए के आंदोलन हुआ विरोध किया जनता ने माने नहीं ब्रिटिश सरकार। देश दावक दुख दारुल दिन भारत भूमि पहुंचाया। स्वरूप थम राजेंद्र सिंह का गोदम फांसी दिया लगा। निकले उनके मुंह से वापस जीना प्राण गवाए। दूसर फांसी है बिस्मिल का गोरखपुर की जेल दरम्यान। सितम नहीं चेहरे पर जन सौ भारत की जय रहे लगा। इलाहाबाद जेल के अंदर रोशन सिंह भय गुरबाला क्रांति पुजारी साचो पूत भारती फैजाबाद जेल के अंदर उनका फांसी दिया लगा। जाकर झूल गए फांसी मा जग माली नाम कमाए। मैं हाल कहो से घर का सब जन सुनना ध्यान लगाए। जब भारत मास अट्ठाईस के दरम्यान कड़ा विरोध किया जनता ने जब लाहौर पहुंचा जाए। उम्र पड़ा जनमानस अगुआ बने लाजपत राय। जल्द कमीशन वापस जाए काले झंडा रहे दिखाए। सुप्रीम टेंडन लाठी चार्ज दिया करवाए। तब तक डिप्टी अपन लाठी लिया उठाए। की है लाजी अपन दीना प्राण भारत माधौरी चौदह सिपाहे मच जाए। सुनी खबरिया जब से घर ने तो बौला बैठ प्यार कमा जाए। वैसे बोले राजगुरु से कहो बकरी हो कौन उपाय। राजगुरु ने चिंता कोई बात कहना खून को बदला लाप खून से तब छाती का नाम बुझाए। अपन स्टेशन में भवन बजरंग बली का नाम जहाँ पर तब कर रहा है पुलिस का दोनों जान पहुँचे जाए। खाकि लगाए दोनों बैठे वाला को पता कि जी का नाम। तब तक या वह जिसकी सांडस मोटर साइकिल पर सवार किया कि सारा राजगुरु ने उसे घर से कहा सुना। दूसरी बोली राजगुरु ने वही दुश्मन मर दिया चलाए। पर पाती मर जाए किया का बदला लिया राज बन गया। व्याकुल भये ब्रिटिश सरकार प्रजातंत्र से आगे कमांडर पंडित चंद्रशेखर आजाद छोल कूट चल तुर गए दीना। पूरे भारत के दरम्यान
बम्बैया मदरा पिस्टल लोड संग मारा गय पंडित जद से घर आया लिखी पिथाता कै मिटी है ना जो विधि ना कलम जला राम लिखाई निश्चय हुई है यही का को मिटैया ना सुखदेव बाबू चंद्रशेखर जी पहुँचे प्रयागराज माजा शेखर बैठे चिंता कोई बात गयना पुलिस दिया चौधर फांसे शेखर निकल भागना जाए जब तक शेखर समरे समरे दुश्मन गोली दिया जलाए बैठ गई जाती मायो भर चले खून गए शेखर का मेतर खंड द्वार होता शेखर बापू थे जो कन्ना हाथ में पेश कर लिया उठा दिया जवाब तुरंत गोली का पंडित चंद्रशेखर आया लिखा है अंग्रेजन का मन के में दिले वो अरमान दोस्त माने वा गोली ना जो शेखर का दिल गिरा ले पूजी सन एक पेट की शेखर गोली रहे आजादी के खाते जान की बाजी दिया लगाए मारव गोली मेरा हाथ उठेगा हाथी से चलने कब जल मरे पी गया जाती पिस्टल चल से कर गए पर दिया जलाए आगे गोली मायम फाफा दुखिया बिना मौत मर जाए चंद्रशेखर कर दिए सभी ने कहा सुना मंडल पुल जलवा हवा कर दाते अंग्रेज ले आलवा कभी ले आई शेखर की ना पूछे हाल कहा ना जाए शेखर सोचे मन अपने मायो मन ही मा करे विचार तो ही एक बची पेश कर ना कहो बचे वे कौन उपाय इंद्र की सता ना भई वे हो आ जा कर है राजा है जग माता बसंत जी और ना रहे जग भगवान अपनी माँ जगदानी का राजकुमार जाना इस दुनिया माँ को आज मरे को का एक तमन्ना बाकी रह गई ना कह पावा देश जा दुर्गा सो बिलहन फारस का ओ मोती के जवाहरलाल मुस्कुराना फारस माता वंदनी इतना कह के चंद्रशेखर ने अपन पेश कर लिया उठा लगा चंपति माँ की हार है बाजी कर कर दिया दबाए वंदन रूप से आत्मा हुई जय सवाल लाल सेवारी क्या शेखर भारी फिर जमा हो जाए शेखर कई गोना हो जब कहा मिलो पी गया जाए नन्ना जी सारे भारत के वो मारी मारी दिलका इस पक्ष सारे भारत के शादी पीट पीट रह जाए माला फूल समय शेखर पर जाओ तो हो जय जयकार तुम्हारे मन जाने से नैया टूट गई मझधार प्रेम की भारत माता वैसा लाल मिलेगा ना सकती है नाम सकाई भी गया जा उनकी साया नहीं है देशर सरहद पहरा सही लगाए मोदल का नहीं अगले जल का वागे कदम बढ़ाना गाए गंगा जमुना में जब तक रहे गगन मा भार तब तक नाम रही दुनिया माया का को मिटैया गाए उनकी वीरता से भारत का बैगा धन जिला मुन्ना मौज करानी धन्य हो गई बैगा धन्य बदल का और सहन नहीं जाता कृपा कीजिए नाथ।
दया कीजिए। कहो देवी भारत माता, आज तो आप बहुत ही दुखी दिखाई दे रही हैं। आपकी विनती सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। कहो देवी, क्या आदेश है? हे विष्णु भगवान, मैं आपको क्या आदेश दे सकती हूँ? मैं तो खुद ही गुलामी के बोझ से टूटी जा रही हूँ। हे देवी भारत माता, फिर भी कुछ तो बोलो। हे नाथ, इतने जुल्म और इतने अत्याचार मेरी संतानों पर जालिम अंग्रेजों ने किए हैं। अब और सहा नहीं जाता। निहत्तों पर गोली चलाना, अपना अधिकार मांगने वालों को काले पानी और फांसी पर लटकाना रोज रोज के किस्से हो गए हैं। हे देवी, तुम चिंता न करो, भारत में एक दिन इंकलाब आएगा, देश अवश्य आजाद होगा। प्रभु, होगा होगा, इंकलाब होगा, सारा भारत पुकारता है, परंतु कब? जब गुलामी के बोझ तले दबके रसातल में चली जाऊंगी, या तब जब भारत का एक एक सपूत मेरा नाम लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़कर दम तोड़ देगा। हजारों जुल्म होते हैं मेरी धरती पे, हे भगवान, मेरी छाती पे रोते हैं मेरे बच्चे, मेरे भगवान। हे देवी भारत माता, ये सच है, गुलामी के घोर कष्टों ने आपको बेचैन कर दिया है और आप आजाद होने के लिए छटपटा रही हैं, परंतु हर एक मुसीबत से समय आने पर ही राहत मिलती है, दुख के बाद ही सुख मिलता है। हे देवी, मिलेगी आजादी, अवश्य मिलेगी। आपकी गुलामी की बेड़ियों को काटने वाला बंगाल प्रांत के कलकत्ता शहर में जानकीनाथ वकील के घर पैदा हो चुका है। उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, माता का नाम प्रभावती है। हे प्रभु, मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गई हूँ। परंतु देवी, ये सब कसूर आपके पुत्रों का ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो कैसे भगवान? वो ऐसे कि आपके पुत्र मानव होकर मानव से नफरत करने लगे, जात पात ऊंच नीच छुआछात में विश्वास करने लगे। इन्होंने ब्रह्मा के बनाए मानव धर्म को भुला दिया। ठीक है भगवान, मैं अब अपने पुत्र को एक सूत्र में बनने का आदेश दूंगी। आपकी अति कृपा है जो मुझ पर इतनी दया दृष्टि की, प्रणाम भगवान। तथास्तु। हे भारत पुत्र, मुझे तुम्हारी ही कमी के कारण विष्णु भगवान से उलाहना सुनना पड़ा। यदि तुम अपने इंसानी फर्ज को पहचान सुमार्ग पर चलते तो फिरंगियों की क्या ताकत कि वे तुम्हारी माँ को गुलाम बनाते। तुम्हारी वजह से ही मुझे गैर मुल्कों के ताने भी झेलने पड़े। अब भी समय है, उठो और जागो। अरे, ये तो क्या कर रहा है? माँ, मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सैनिक प्रशिक्षण भी लिया है और शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने मुझे नॉन कमीशन ऑफिसर भी बना दिया है। शाबाश बेटा, और अब आगे क्या इरादा है? जैसी पिताजी की इच्छा। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग बेटे, क्या कर रहे हो? बस पिताजी, अब तो चाय पी रहा हूँ। अच्छा, चाय पी रहा है, मैंने ये थोड़ा पूछा था। देखो बेटे, आज के अखबार में एक बहुत दुख भरी खबर छपी है। क्या छपी है जी? ये छपी है कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की भरी सभा को चारों ओर से घेर कर बच्चे बूढ़े नर नारियों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिससे हजारों में इतने लोग मारे गए। फिर तो पिताजी, इन जालिम अंग्रेजों का कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। ये तो ठीक है बेटा, पर मैं चाहता हूँ कि अभी तुम इस पचड़े में ना पड़ो और आगे पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले जाओ तो अच्छा रहेगा। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं बेटा, पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले जाओ,
और अभी तुम्हारे पढ़ाई के दिन है। माँ दिल तो नहीं मानता, परंतु पिताजी का हुक्म है, मानना ही पड़ेगा, वरना मैं उस डायर के बच्चे को ऐसा सबक सिखाता कि जीवन भर अंग्रेजों का बच्चा बच्चा याद रखता। खैर मैं जाऊंगा माँ, पढ़ने के लिए ब्रिटेन जरूर जाऊंगा। जागो और अपने कर्तव्य को पहचानो। तुम्हें माँ बाप घर बार छोड़ विदेशों से मदद लेकर मेरी गुलामी की बेड़ियां काटनी होंगी। उठो उठो सुभाष उठो। हे माँ, हे भारत माता, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भारत के तिरंगे झंडे और वंदे मातरम की सौगंध खाकर कहता हूँ, या तो तुझे तेरी गुलामी की बेड़ियों से आजाद करा दूंगा, नहीं तो अपने प्राणों की आहुति दे डालूंगा। अब मैं भीरू डरपोक व कायर की भांति घर में छिपकर समय नहीं गवाऊंगा। हे भारत माता, हे जगत जननी, हे भारत भारती, अब मैं देश छोड़ विदेशों में जाकर भारत को आजाद कराने का कार्य संपन्न करूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाभी जी जय हिंद। जय हिंद तो मैं तुम्हारे लिए लेती हूँ, परंतु तुम्हें पता है जय हिंद कहने की कितनी कीमत चुकाई है देशभक्तों ने। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बताऊं भाभी, आज मुझे सौपन में भारत माता ने दर्शन दिए। भारत माता ने? हाँ भाभी, भारत माता ने, और मुझे आह्वान किया कि ये समय बर्बाद करने का नहीं है, जागो निंद्रा त्यागो, एक क्रांतिकारी योद्धा की तरह अपने फर्ज को पहचानो। क्या तुम्हें पता है क्रांतिकारियों के साथ क्या बीतता है? कोई परवाह नहीं भाभी, अगर भारत माता को आजाद कराने में मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी, मुझे कोई दुख नहीं होगा, शांति ही मिलेगी भाभी। तुम्हें नहीं पता फिरंगी बेईमान कपटी और जालसाज हैं। मेरी बात सुन, जालिम अंग्रेजों ने भारत के इंजीनियर बुद्धिमान मिस्त्री क्रांतिकारी यहाँ तक कि बुद्धिजीवियों को भी चुन चुन कर मारा है। हाँ भाभी मुझे पता है, भाभी हम हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है, अगर हम अपनी जिद पे अड़ जाएं तो हवा का रुख भी मोड़ सकते हैं और देश की आन बान और शान की खातिर कुछ भी कुर्बानी दे सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बॉस। और हाँ भाभी, हम अपनी ताकत से अंग्रेजों को अपने पाए तड़े रौंद भी सकते हैं। हाँ बॉस। और भाभी अब समय आ गया है कि हम हिंसक रूप अपनाने से भी पाछे नहीं हटेंगे। मैं देश गुरु गांधी से आशीर्वाद लेने कल दिल्ली जाऊंगा। भाभी हमारे देश की जनता गांधी जी पर पूरा भरोसा करती है, इसलिए वे हम सब के नेता हैं और मैं उनको आदरणीय भी मानता हूँ। चाहे आज हम एकजुट नहीं हैं, पर भविष्य में एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के हौसले को खत्म करना है। चाहे नेतृत्व को लेकर हमारे बीच कुछ भी मतभेद हैं, पर ये मतभेद जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हाँ बोस, गांधी जी देश के महान आदमियों में से एक हैं। हाँ भाभी, वो देश के महान पुरुष हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गांधी जी का विश्वास नहीं जीत सका तो ये मेरा दुर्भाग्य ही होगा, लेकिन मैं उनका विश्वास जीतने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। सुना भाभी, दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दे तो वो मानता है, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। ये तो ठीक है। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से क्या लाऊं भाभी? मेरे लिए दिल्ली से एक साड़ी लाना। हाँ भाभी। साड़ी में तीनों रंग
तिरंगे के होने चाहिए। आजाद भारत का नक्शा, बापू गांधी चरखा चलाते, अच्छा। और नेहरू पटेल साथ में हो, रानी झांसी अंग्रेजों के साथ युद्ध करती हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी के तख्ते पे मुस्कुराते नजर आते हो, लाल किले पे भारत का तिरंगा लहराता हो, ऐसी साड़ी मिले तो ले आना बॉस, और ये साड़ी आजादी मिलने के बाद बांधूंगी, नहीं तो तब तक संदूक में बंधी रहेगी। अरे भाभी, तू कैसी बातें कर रही है? मैं तेरी मनपसंद साड़ी लेके आऊंगा, और दिल्ली में नहीं मिली तो मैं जिस तरह से देश की आजादी के लिए बर्मा, सिंगापुर, काबुल, अफगानिस्तान, ईरान, जर्मनी, रशिया तक की खाक छानूंगा। और हाँ भाभी, अगर इन देशों में भी साड़ी नहीं मिली, मुझे कहीं भी जाना पड़े, अपनी भाभी की साड़ी जरूर ले आऊंगा। बॉस, मुझे तुम पर पूरा पूरा विश्वास है, जाओ। जय हिंद भाभी जी। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। जय हिंद। जय हिंद। बापू जी, आपसे मिलने के लिए सुभाष चंद्र जी बोस कलकत्ता से आए हैं। उन्हें आदर से अंदर ले आओ भाई। जय हिंद बापू जी। जय हिंद सुभाष जी। बहुत दिन में मिले हो, मुझे बहुत खुशी है। मैं तुम्हारी कुर्बानियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शाबाश सुभाष, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ बापूजी। रास्ते अलग अलग हैं तो कोई बात नहीं, लक्ष्य तो एक ही है, भारत की आजादी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मुझे आशीर्वाद दो बापू, मैं मिशन में कामयाब हूँ। अच्छा बापू, जय हिंद। जय हिंद। अरे ये साला भारत में अगर परिषद से खाटा ना खाट में आए तो वह सुभाष आए। आप ठीक कह रहे हैं सर, ये गांधी, नेहरू, पटेल, अब्दुल कलाम आजाद सब का बाप लगता है, बहुत चालबाज आदमी है। मेरा विचार से उसे उसी के घर में नजर बंद कर देना चाहिए। क्यों, घर में क्यों सर, जेल में क्यों नहीं? अरे ये जेल में व्यवहार होकर मर गया तो लेने का देना पड़ जाएगा, इसके पीछे बहुत क्रांतिकारी खतरनाक लोग हैं। ठीक है सर, मैं सार्जेंट को जाकर बोलता हूँ। नहीं, तुम खुद जाओगे, और जाओ सुभाष की कोठी पर पहरा दे दो, वो किसी से मिलने ना पाए, कहीं आना जाने ना पाए। हक सर, उसके कोठ में नजर बंद कर दो। हक सर, जान छोड़ी। इन फिरंगियों ने तो मुझे मेरे ही घर में नजर बंद कर दिया, और मैं घर में ही नजर बंद रहा तो भारत माता से किया हुआ वादा कैसे पूरा कर पाऊंगा? इसके लिए कोई ना कोई जतन मुझे ही करना होगा। अरे सीसर बेटे, कहो चाचा जी। मैंने ये चिट्ठी लिखी है, इसको किसी भी तरीके से मिर्जा के पास पहुंचा दो। और हाँ बेटे, तुम्हें भी जाते हुए ध्यान रखना है, किसी फिरंगी की तुम्हारे पर नजर ना पड़े। जी। बाकी मैंने इसके अंदर सब कुछ लिख दिया है, मिर्जा को बता देना, यहाँ आए तो भेष बदल के आए, यहाँ जप्पे जप्पे पर पुलिस का पहरा है, सावधानी से आए। ठीक है चाचा जी। और सीसर बेटे, बड़े ध्यान से निकलना। ठीक है चाचा जी। नेता जिसके नाम से अंग्रेज सरकार थराती हो, और जिसकी कोठी के चारों तरफ पुलिस का मजबूत से मजबूत पहरा लगा, उस नेता पर पुलिस की आंखों में झूम झूम कर पहुंचना कोई मामूली बात नहीं।
सुभाष जी अब छोड़िए इन बातों को, सब काम ठीक ठाक है, बस आप तैयार हो जाइए। ये मेरे वस्त्र आप पहन लीजिए और मैं आपके वस्त्र पहन लेता हूँ। मैं आपके नेशले यहाँ रह जाऊंगा और आप पुलिस के इन बागड़े बिल्लों की आंखों में धूल झोंक कर साफ निकल जाना। शाबाश मिर्जा, मैं तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी की दाद देता हूँ। ये जालिम पुरुष की पागड़ बिल्ली निर्दोष और गरीब आदमियों को फंसा लेती है और झूठा सच्चा केस बना के खुले नहीं समाती, परंतु मेरे यहाँ से निकलने के बाद इन्हें पछताना ही पड़ेगा। दुश्मन ने जो देशभक्तों को बलाए जान है बड़ा अभिमान इनको, ये बड़े सैदान है, वो तो वो है, हम भी हम है, जाएंगे अब शान में, आज लग जाएगा धक्का उनके भी अभिमान। देखे सी सर। जी चाचा जी। देखो सी सर, आज रात को 9 बजे तुम तालाब के पास छाया में गाड़ी स्टार्ट रखना। मैं किसी ना किसी तरह से घर से निकलूंगा और गाड़ी से हम भाई अशोकनाथ के घर बुराड़ी पहुंच जाएंगे। वहां दिन भर रहने के बाद तुम मुझे गो में छोड़ाना, आगे का इंतजाम मैं सिले कर दूंगा। तुम वापिस आकर मेरी गुम होने की रिपोर्ट थाने में लिखवा देना, बस ये कार्यक्रम ध्यान रखना। जी सर। देखो सुभाष जी, इस ड्रेस में आपको कोई नहीं पहचान सकेगा और ये लिबास आपको खूब जचता है, असली पठान लगते हो। अच्छा मिर्जा जी, आखिरी बार बोलते हैं जय हिंद। जय हिंद। जब खुदा चाहेगा तो फिर मिलेंगे, अगर वो मालिक मिलाएगा, वरना खुदा हाफिज। हाँ सुभाष बाबू, वतन का हर इंसान, बूढ़ा हो या जवान, हिंदू हो चाहे मुसलमान, पारसी हो ईसाई या कोई सिख भाई, देशभक्ति का सच्चा तरीका अगर सीखना चाहे तो वो आपसे सीखे, क्योंकि माँ तो सबकी माँ है, गुलाम है तो सब है, आजाद होंगे तो सब होंगे, एक ही माँ है हमारी जिसकी हम संतान है, सब ही माँ के लाल है, निर्धन हो या धनवान है, देश पर मिटना ही समझे बस हमारी शान है, दुख माता का मिटाना फर्ज है ईमान है। धोखा पहचाना नहीं, अरे मैं तुम्हारा सुभाष। सुभाष, तुम इस भेष में? इस भेष में तो तुम्हें कोई पहचान ही नहीं सकता। हाँ भाभी, इसीलिए तो भाभी मैंने ये भेष बदला है ताकि कोई मुझे पहचान नहीं सके। पहचान ना सके, वो क्यों? भाभी दुष्ट अंग्रेज इस समय आजादी के दीवानों की आवाज बड़ी बेरहमी से दबा रही है, क्रांतिकारियों पर उल्टे सीधे केस बनाकर फांसी के फंदे पर लटका रही है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अंग्रेजी हुकूमत को झांसा देकर देश से निकल जाऊं और अंग्रेजों के दुश्मन मुल्कों के शासकों से जैसे हिटलर मुसोलिनी से संपर्क करूं। इसलिए भाभी मैंने ये भेष बनाया है, अब आप मुझे जाने की इजाजत दें और अपना आशीर्वाद दें। हाँ बॉस, देश की खातिर तो देशभक्तों को कुर्बानियां देनी ही पड़ती है, और फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भाभी, इंग्लैंड में जन्मे किसी माई के लाल ने ऐसा बम नहीं बनाया जो तेरे देवर सुभाष की जान ले सके। हाँ भाभी, अंग्रेजों ने हमारा खून चूसा है, आप उनके खून से होली खेलकर देश का तिरंगा फहराऊंगा, अब आप मेरी चिंता मत करना। और हाँ भाभी, मुझे याद है जो आपने साड़ी मंगाई थी ना, वैसी ही साड़ी लेके आऊंगा।
टैक्सी सर। गाड़ी रोको। अच्छा सर। बेटा ये गो में शहर आ गया है, यहाँ मेरा दोस्त मुझे भगत राम मिलेगा। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ, लेकिन पत्र लिखते रहना। ठीक है बेटा, अब मैं सीधा यहाँ से काबुल अफगानिस्तान की राजधानी जाऊंगा। तुम कलकत्ता जाते ही मेरे गुम होने की रिपोर्ट थाने में लिखवा देना। जी चाचा जी। जय हिंद। जय हिंद। आओ भाई आओ, भगत राम आओ। अरे साहब, आज के बाद मुझे भगत राम नहीं बोलना, मेरा नाम अब रहमत खान हो गया है। और आप रिश्ते में मेरे चाचा मोहम्मद जियाउद्दीन हैं। अच्छा। गूंगे और बहरे भी हैं। मैं आपका इलाज कराने शरीफ दरगाह काबुल ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें पेशावर से काबुल पहुँचना है ना। हाँ भाई। देखो, अब हमें खजूरी मैदान पहुंचना है, जो यहाँ से 11 मील है। ये बहुत खतरनाक कबाइली इलाका है। यह भारत, ब्रिटेन व अफगानिस्तान की सीमा चौकियाँ हैं। वो सामने टेंट है, यहाँ से जरा बच के निकलना है। ठीक है भाई। चला जाता भाई सुभाष, तुम कभी पैदल नहीं चले, मुझे इस बात का पता है, परंतु ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। उठो, जल्दी करो और चलो। ठीक है भाई, चलो। देखो सुभाष जी, अब हम काबुल पहुंच गए हैं। जालिम फिरंगियों का यहाँ कोई भय नहीं, परंतु यहाँ की पुलिस रिश्वतखोर है, जरा बच के रहना। फिर गुरुजी, सुभाष के भतीजे ने रिपोर्ट लिखवाई। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी नेताजी के गुम होने की, और अगले दिन यह खबर सारे अखबारों में चल गई। फिर क्यों होया? अरे फिर क्या होया, गांधी जी, नेहरू जी और सारी दुनिया यह मानने लगी अगर नेताजी को फिरंगिया ने जानबूझ कर गुम करा से कर मार दिया। फिर के देश में आग लगी? आग नहीं, देश में प्रदर्शन हुए और पहली बार हिंदुस्तान में पुरुष पर पथराव हुआ, सारे देश के अंदर यह खबर फैल गई। फिर तो गुरुजी, मैं भी अपने गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दूं, ओ जगह सारा जमा छावेगी गुरुजी, फिर तो मेरी भी फोटो अखबार में आवेगी। आह, देसी गधा पूर्वी जान, अरे या मुंह और मसूर की दाल।
रे तेरा कोई फोटो छापे था या के बात करी गुरुजी धरती आलेगी तेरा चेला भी किसे तक गाट कोनी गोली जरूर चलेगी गोली चलेगी रे तेरी बाबत पटाके छुटेंगे पटाके रे बावड़ी बूझ कित राधा बोझ कित गंगुआ तेली रे कित सुभाष चंद्र बोस और किसे बूढ़े थोबड़े राही चेला हाँ छोटा बोली जी आगे बताओ सुभाष चंद्र बोस जी के लकी अरे होड़ा के था नेताजी ने फिरंगिया की आंखा में धूल झोंक कर और फरार हो गए थे और कांपल की सरका में लू धड़ल्ले ने चाल रहे थे अरे बाबू सुभाष जी ये सामने पुलिस वर्दी में कौन आ रहा है हाँ ये कोई सीआईडी पुलिस का आदमी दिखाई देता है और नजर हमारे ऊपर टिका रहा है हाँ हाँ पर ये तो कोई सिख भाई है हमारे पास वो बीने के कागज हैं उन्हें निकाल लो हाँ ये फिक्र मत करो सुभाष बाबू अब हम सराय के बिल्कुल करीब हैं वो देखो सामने सराय और ये मेरा भाई गूंगा और बहरा है इसलिए हम सखी साहब की जियारत करने यहाँ आए हैं हम बस दो चार दिन ही ठहरेंगे अरे तुम हम लोगों को धोखा देता है आखिर हम पुलिस वाला है हम कैसे धोखा खा सकता है चलो कोतवाली इधर नहीं तो उधर जाकर सच बताएगा देखिए हम लोग परदेसी हैं हमें क्यों सताते हो आखिर खुदा का खौफ खा लो हम क्या जाने खौफ हमें तो पैसा चाहिए देखो हम नहीं जानते आप कोतवाली चलो अरे भाई हम चोर तो है नहीं जो कोतवाली से डर जाएंगे चलिए हम चलते हैं अच्छा तो आओ और इस बीमार को भी उठाओ अरे भाई कुछ तो खुदा का खौफ खाओ हमको जहाँ चाहते हो ले चलो पर इस बीमार को न सताओ ये लो आपका इनाम हम परदेसी हैं ज्यादा मत सताओ तो आप परदेसी हैं हम ज्यादा है हम तुम्हें नहीं सताएंगे ये पुलिस वाले लालच के मारे कितने जुर्म करते हैं पैसे के लालच में संगीन से संगीन जुर्म करने वाले को छोड़ देते हैं और शरीफ और गरीब इंसान को पकड़ लेते हैं हमें भी इन रिश्वतखोरों से अपने आप को बचाना होगा और हाँ भगतराम कल से ये ठिकाना हमें यहाँ से छोड़ना होगा हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो सुभाष बाबू इन्हें रिश्वतखोरी का चस्का लग चुका है एक जाएगा और दूसरे को भेज देगा हाँ हाँ इनका लालच कहाँ तक पूरा किया जा सकता है और इसके अलावा और भी संकट आ सकता है अरे भाई भगत राम एक बार आपने बताया था क्या यही कि काबुल में एक भारतवासी व्यापारी रहता है और उत्तम चंद मल्होत्रा उसका नाम है यहाँ उसका बहुत काम है क्यों ना उसका पता लगाया जाए और इन पुलिस के बागड़ बिल्लों से भी पीछा छुड़ाया जाए हाँ हाँ सुभाष बाबू आपने खूब याद दिलाया वही मेरा मित्र उत्तम चंद मल्होत्रा यहाँ रहता है वो भी क्रांतिकारी था 7 साल की सजा सुनाई थी मैंने भी कुछ समय उसके साथ सजा काटी थी अब वो सजा काटकर भारत से यहाँ आ गया है सुबह उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे